हमीरपुर जिले के करीब दो दर्जन स्टोन क्रशर 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसके कारण अब जहां सरकारी कामों में रीता बजरी की कमी आएगी तो वहीं निजी कामों पर भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा। हमीरपुर में हमीर स्टोन क्रशर यूनियन की आपात बैठक होटल हमीर में आयोजित की गई। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अशोक ठाकुर और सचिव आशीष शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार से स्टोन क्रशरों की मांगों को लेकर अवगत करवाया गया था, लेकिन आज तक कोई भी फैसला न होने के चलते अब यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। जिला अध्यक्ष अशोक ठाकुर ने कहा कि मैकेनिकल हैंडलिंग की मांग स्टोन क्रशरों के द्वारा पिछले एक साल से की जा रही है और कई बार सरकार से इस बाबत वार्ता होने पर भी समस्या हल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार से मिलने के बाद केवल मात्र आश्वासन ही मिले हैं, जिस कारण आज बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार मैकेनिकल हैंडलिंग की मांग को नहीं मानती है तब तक कामकाज को ठप रखा जाएगा। इसमें हमीर क्रशर यूनियन ने आज मीटिंग की, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा मैकेनिकल लोडिंग को लेके है जो पिछले एक साल से लंबित है और उसका आश्वासन हमें एक साल पहले दिया गया था लेकिन अभी तक धरातल पे कुछ नहीं आया, जिसको लेके उन्ना क्रशर यूनियन ने भी स्ट्राइक कर रखी है और हम भी उसी का समर्थन करते हैं और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमारी इन मांगों को सुने और उसके ऊपर अपना निर्णय दे ताकि हम माइनिंग ठीक तरीके से कर सकें और अपनी क्रशर के जो यूनिट है उनकी प्रोडक्शन के हिसाब से काम कर सकें। वो हमें आश्वासन तो ज़रूर दिया गया था लेकिन धरातल पे कुछ हुआ नहीं, उसी की वजह से हमें आज दोबारा नहीं, वो आश्वासन के ऊपर ही चलाए हम, लेकिन अब दोबारा हमें उसकी आवश्यकता पड़ रही है तो हमने दोबारा सरकार से निवेदन किया है कि इसको जल्दी से जल्दी टेकअप करें और हम लोगों को मैकेनिकल लोडिंग की परमिशन दें। सचिव आशीष शर्मा ने कहा कि पर्यावरण समिति के द्वारा भी मैकेनिकल हैंडलिंग की स्वीकृति दी गई है लेकिन सरकार के द्वारा इस पर फैसला नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में भी क्रशर मालिकों के द्वारा सरकार की मदद की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनका क्रशर मालिक पालन करते हैं और जिन जिलों में अवैध माइनिंग हो रही है उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार मैकेनिक हैंडलिंग को मंजूरी नहीं देती है तब तक क्रशरों को बंद रखा जाएगा। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी इन मांगों के ऊपर जल्दी से जल्दी निर्णय ले ताकि जो इस इंडस्ट्री के साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो मजदूर वर्ग जुड़ा हुआ है, जो आम व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसको राहत पहुंच सके और हम अपना काम लीगली ढंग से कर सकें। सरकार द्वारा ये बोला गया है कि मैकेनिकल हैंडलिंग नहीं करनी है या पर्यावरण को नुकसान, वो हम भी समझ रहे हैं कि कुछ अगर इससे नुकसान होता है तो हम उसकी भरपाई भी करते हैं साथ साथ में। हमने CGCR फंड है, हमारा DMFT फंड है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है जो बना हुआ है जिसमें करोड़ों रुपया हम अभी तक डिपॉजिट करवा चुके हैं, वो कि लोकल पंचायतों को दिया गया है कि लोकल पंचायतें अगर मेरा क्रशर किसी पंचायत में लगा हुआ है तो वो फंड वहाँ पे जाना चाहिए था, उसका मिसयूज़ प्रशासन द्वारा कहीं और किया जा रहा है। तो ये सब जो है ये गलत तरीके से हमें भी देखा जा रहा है और हम चाहते हैं कि ये स्ट्रीमलाइन सारा हो ताकि हम लोग अपना काम तरीके से कर सकें। जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा दी जाएगी उसको हम फॉलो करते हैं, आगे भी फॉलो किया है हमने, पहले भी करते हैं। और मैकेनिकल हैंडलिंग का ऐसे है, आज की डेट में सबको पता है कि लेबर का अभाव है, कोरोना काल चला हुआ है, पिछले एक वर्ष से वैसे ही बेरोजगारी की हालत ख़राब है, लड़के इंजीनियरिंग करके घर पे बैठ के ट्रैक्टर चला रहे हैं आज की डेट में। तो कम से कम सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि रोजगार देने वाली इंडस्ट्री जो एक लौती चली हुई है, एक्साइज डिपार्टमेंट के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है तो वो हमारे डिपार्टमेंट दे रहा है, कोई वेलफेयर का काम कर रहा है तो वो माइनिंग डिपार्टमेंट कर रहा है। बिल्कुल हमारी मांग ये भी है साथ में कि जो मैकेनिकल माइनिंग है वो मशीन द्वारा जो 80 हॉर्स पावर की मशीन है जो कि पर्यावरण स्वीकृति हमें मिलती है, इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस जो मिलती है, उसमें भी एक क्लॉज है कि हमें वो स्वीकृति के टाइम वो अलाउ कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा बाधाएं पैदा की जाती हैं कि हमें नहीं अलाउ किया जाता है। पिछले 10 साल से ये इंडस्ट्री जो है इसी लड़ाई के साथ जूझ रही है, हम चाहते हैं कि इस पे ऊपर भी गहन विचार किया जाए और इसको अलाउ किया जाए।
ताकि हम साइंटिफिक वे में माइनिंग कर सकें। आप कोरोना काल में देख सकते हैं, पीछे जब महामारी का दौर चला तब से लेके आज दिन तक कोई भी कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी 12 जिलों में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने योगदान दिया है तो क्रशर यूनिट वालों ने दिया है, चाहे वो ऑक्सीमीटर्स देने हो, कुछ भी सामान जो डिपार्टमेंट ने बोला है वो उनको पहुँचाया है हमने सरकार तक। लेकिन हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि हमें मैकेनिकल हैंडलिंग का अलाउ किया जाए ताकि हम स्ट्रीम ढंग से इसको चला सके। जो ऊना वालों ने मांगे रखी हैं उनका हम समर्थन करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमें राहत दी जाए और हम अपना कारोबार ढंग से कर सकें। हम कोई बाहर के किसी और स्टेट से तो है नहीं, यहीं हिमाचल में पले बड़े हैं, यहीं जन्मे हैं, सारे के सारे यहीं के हैं, तो एटलीस्ट इतना तो सरकार हमारे ऊपर देखेगी और रेवेन्यू दे रहे हैं सरकार को, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करे सरकार, उसके लिए हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं। चाहे वो फ्री सेल का है जहाँ पे इलीगल माइनिंग ऊना में हो रही है, चाहे कहीं भी है, कांगड़ा में भी है, वो कार्रवाई करें, लेकिन मैकेनिकल हैंडलिंग का हमारा एक लौता इसमें मुद्दा है कि ये हमें अलाउ करनी चाहिए। ये अनिश्चित काल तक हमारी स्ट्राइक चलेगी, जब तक हमारी मांगें नहीं मांगी जाएंगी सरकार द्वारा तब तक हम वीरवार 8 तारीख से सुबह से स्ट्राइक पे जाएंगे और सारे क्रशर यूनिट जितने भी जिले में हैं वो बंद रहेंगे। गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा खड्डों में मजदूरों के माध्यम से ही रेता और बजरी भरने की इजाजत है, जिसके चलते क्रेशर मालिकों को ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कोविड के चलते मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे क्रेशर का काम भी प्रभावित हो रहा है। अब क्रेशर मालिकों ने मैकेनिकल हैंडलिंग की मांग की जा रही है ताकि समस्या का स्थायी हल हो सके।